हम भी हिंदू, हम कोई मुसलमान थोड़ी है, हम थोड़ी हम भी हिंदू है, हम भी हिंदू हम कोई भगवान हमारा नहीं बेटा शास्त्र नहीं, शास्त्र के नियम क्या है नियम तो नियम में फिर बड़े उनका माँ को चंदो मत लो, बड़े उनका गाँव में जाओ मत, जाओ मत फिर गाँव में जाओ मत, चंदो ले पैसा तो ले लो तुम। ये वीडियो आगरमालवा जिले के प्राचीन बाबा बैजनाथ मंदिर से सामने आया है, जहां 108 कुंडिया यज्ञ में बैठने की रसीद काटने गए एक दलित शख्स को पुजारी ने भगा दिया और कहा कि पंडितों का यज्ञ है, पंडित ही बैठेंगे, धर्म का अधर्म नहीं बना सकते। इस बीच बुजुर्ग ने कोतवाली थाने पहुंचकर बैजनाथ मंदिर के पुजारी पर मामला दर्ज करने की मांग की है। दरअसल लसुल्डी गांव में रहने वाले नारायण बैजनाथ मंदिर परिसर में 2 जून को होने वाले 108 कुंडिया शिव शक्ति महायज्ञ में यजमान के तौर पर शामिल होना चाहते थे। उन्होंने इस बारे में यज्ञ स्थल पर मौजूद लोगों से पहले ही बात कर ली थी और वहां उनकी जानकारी नोट की गई थी। इस दौरान जब वे रसीद बनवाने के लिए बैजनाथ मंदिर गए तो वहां पुजारी ने उनका नाम पूछा, जिसे सुनते ही पुजारी ने कहा कि ये पंडितों का हवन है, पंडित ही बैठेंगे। तो वहीं कचरू लाल ने कहा कि जब सांसद यज्ञ में बैठ सकते हैं तो हम क्यों नहीं, वो भी मालवीय समाज के हैं। क्या घटना हुआ, बाबा बैजनाथ के वहां गया मैं तो 2 दिन से बोल रहे हुए रसीद बनाओ और आज रसीद बनाने के लिए गया तो उन्होंने नाम लिखते हुए नाम जहाँ मालवी शब्द आया, मैंने मेरा नाम बताया नारायण, पिता खचरू जी मालवी, तो मालवी शब्द आया पर उन्होंने बोला तुम दलित जाति हो तो मुझे नहीं बिठाया जाए, तुम्हारे इस नाम से हम इस जाति को नहीं ले रहे और आपके जाओ भग जाओ, दलित करके भगा दिया और बोला कि सांसद जी भी आ जाओ तो हम नहीं बिठाएंगे आप। बता दें कि बाद में कचरू लाल ने कुछ लोगों के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर पुजारी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की और वहीं अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस क्या एक्शन लेती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगर मालवा से सैयद जाफर हुसैन की रिपोर्ट।